आम आदमी पार्टी धौलपुर ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ऑटो टेम्पो की लंबित मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि धौलपुर सिटी में चलने वाले ऑटो टेम्पो की परिधि बढ़ाकर 6 किलोमीटर की जाए, साथ ही इन्हें सिटी में खड़ा होने के लिए स्थान चिन्हित करके दिए जाए। जब यह अपने टेम्पो रोड पर खड़े करते हैं तभी पुलिस कर्मी द्वारा चालान काट दिया जाता है, जो चालान हजारों रुपए में होता है। ऑटो चलाना एक गरीब तबके व्यक्ति की गुजर बसर का जरिया है। चालान के बोझ तले यह लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इनकी मांगों का तुरंत समाधान किया जाए, अन्यथा पार्टी ऑटो टेम्पो यूनियन के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में पार्टी के एडवोकेट ओपी त्यागी, भूरा गुर्जर, पंकज शर्मा, मुबीन अहमद फारूकी, गजेंद्र सिंह, राहुल सहित ऑटो टेम्पो चालक उपस्थित रहे। आज ऑटो वालों ने जो है अपनी जो है समस्याओं को लेकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर से मुलाकात की, लेकिन उनको ये अनुपस्थिति में जो नहीं मिले तो जो है ज्ञापन हमने जो है उनके जो है कारिंदा को प्रदान कर दिया। उनकी समस्याओं को लेकर हम सभी लोग यहाँ आए हैं। आए दिन उनको छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित किया जाता है, अनाप शनाप उनसे जुर्माने लिए जाते हैं, कोई इंडिकेशन नहीं दिया जाता उनको किसी भी तरह का, न कोई उनके खड़े रहने की कोई जगह है। हमारा निवेदन जो है कलेक्टर महोदय से ज्ञापन में लिखा है हमने कि कलेक्टर साहब जो है बस स्टैंड के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में जो मुख्य मुख्य जगह है, धौलपुर की कचहरी है उसमें नगरपालिका की जगह काफ़ी जो है मात्रा में खाली पड़ी हुई है और अन्य विभागों की जगह भी खाली पड़ी है। इनके लिए ज़मीन अलॉट कराएँ ताकि ये वहाँ ढंग से जो है रह सकें। अगर ये कोई गलती भी करती है तो इनको पहले एक नोटिफिकेशन दें, 2-4 बार तो कम से कम इनको समझाएँ। 1000 रुपये जुर्माना कर दिया जाता है, ये इस स्थिति में नहीं है कि 1000 रुपये भर सकें। जब रोज़ की आमदनी इनकी सैकड़ों में तो 1000 रुपये कहाँ से भरेंगे। ये आए दिन उनकी समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी धौलपुर ने इनका जो है इनकी समस्याओं को समझ के कलेक्टर महोदय को जो है ज्ञापन के जरिए अपनी बातें बताई हैं। 1 सप्ताह का उनको समय दिया। इन साथियों, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ ऑटो यूनियन का एक संघ जिला कलेक्टर ऑफिस में आया मिलता कि इन्हें धौलपुर में चिन्हित स्थान दिए जाए जहां से ये अपनी सवारियों को ढो सकें। चूँकि बारिश के दिनों में उच्च तापक्रम के वजह से गर्मियों के दिनों में ये जब अपनी गाड़ियों को बेतरतीबी ढंग से लगाते हैं, मजबूरी है क्योंकि हालात इस तरह के, धौलपुर की सड़कें पूरी खदी डली हुई हैं, उस स्थिति में इन्हें पुलिस कर्मियों के द्वारा अव्यवहार तरीके से इनसे वार्तालाप किया जाता है, इन्हें धिक्कारा जाता है जो कि उचित नहीं है। तो जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से आज हमने ऑफिस में एक ज्ञापन दिया है जिसमें इनकी मांगों को बोला गया है कि भाई इन लोगों को एक तो स्थान चिन्हित किए जाए और स्थान चिन्हित के साथ साथ इनकी जो परिधि है, इनका एरिया है, इनको कम से कम 6 किलोमीटर की परिधि में इनको ऑटो को लाने ले जाने की सुविधा दी जाए। साथ ही इनकी कुछ और जायज़ मांगे जैसे कि ऑटो कहीं कहीं रोक जाए तो उनको छाए का इंतजाम किया जाए। इन मांगों को लेकर हम जिला कलेक्टर में आज ज्ञापन देने आए। उम्मीद है कि जिला कलेक्टर साहब हमारे 7 दिन के अंदर इनके निवारण करेंगे और अगर ये नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी का काम ही है धरना प्रदर्शन और इनके साथ में आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।